जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारे तरबूज का प्लाट और आज इसमें हम डबल खेती भी करेंगे। हमारे तरबूज 1 महीने के हो गए हैं और आज इसमें हम पपीता भी लगा रहे हैं। पपीता एक बेड छोड़कर लगा रहे हैं, जिसे वो बेड से एक बेड की दूरी 10 फीट रखी है हमने और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखी है। ये बांस हमने 5 फीट का नाप लिया है और इसकी बराबर नाप जोख कर एक पौधा यहाँ लगाया है। फिर इसके पास में से बांस रखकर फिर ये पौधा लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये रेड लेडी 786, ये पेपर में है लपेटा हुआ, कोकोपीट में आता है। ये ज़मीन में जैसे ही ये जड़ें बाहर निकल गई है इसकी, ये देखिए। अब इसको हम बेड बना दिए, हमने मल्चिंग भी अच्छा दी है। तरबूज भी हमारे 1 महीने के हो गए हैं और इसमें हम डबल खेती कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कितना इसको घेरा लेना है वो बता दें। ये देखिए ये पन्नी हमने थोड़ी सी फाड़ कर इसको गड्ढे को खड्डा करा हमने, इस तरह से खड्डा करा और इसको ऐसे रख दिया बिल्कुल आराम से। और हल्के हाथों से इसको मिट्टी को दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से मिट्टी को नहीं दबाना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से आप मिट्टी दबाएंगे तो ये पौधे टूटने का डर है। और फिर इसमें से थोड़ा सा इधर से मिट्टी लेके इसके आसपास रखना है, ये थोड़ा सा ढीला नहीं रहेगा और बिल्कुल मजबूत रहेगा। फिर आगे हम इसकी ऐसी प्रोसेसिंग कर फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। हर पौधे बिल्कुल अपनी नक्शी से आएंगे, बिल्कुल 5 फीट पर ही आएंगे और यूँ लाइन से लाइन 10 फीट की दूरी है। ये 10 फीट इसलिए रखा हमने कि ये हमारे तरबूज 2 महीने 1.5 महीने बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको फिर हम बीच वाला जो बेड है उसको हकाई जुताई कर फिर से हम इसमें बेड बनाएंगे। और इस बेड बनाने का मकसद ये रहेगा, इससे पौधे भी मिट्टी चढ़ जाएगी और 2 बेड हमारे अलग से बन जाएंगे। तो उस बेड पर हम तीसरी फसल भी करेंगे और वो वीडियो भी देखना क्या हम तीसरी फसल लगाएंगे। तो आज हमारे यहाँ काम चल रहा है, ये हमारा 2 बीघे का प्लाट पूरा है और हमारे पौधे इसमें 8,000 पौधे तो इसके तरबूज के लगे हैं और 1,020 पौधे हम पपीता के लाए हैं, जितने इस पर लग जाएंगे उसमें लगा देंगे, बाकी फिर आगे और बढ़ा देंगे हम। और देख रहे हैं हमारा पुराना बगीचा भी है, उसमें भी हमने पिछले साल लगाया था तो आज फिर से हम लगा रहे हैं। ये देखिए पपीता लगाई जा रही है श्रीमती दीपिका जी गहलोत के खेत पर और ये पिछले साल भी इन्होंने लगाई थी और इस साल भी लगा रहे हैं। क्या दूरी रख रहे हैं पपीता की आप? 5 फीट और लाइन से लाइन? लाइन से लाइन 10 फीट। 10 फीट पिछले साल 8 फीट रखी थी? हाँ पिछले साल 8 फीट, इस साल 10 फीट। अच्छा तो ये 2 फीट क्या के लिए बढ़ाई आपने? ये दूरी रहेगी तो ये बीच में ट्रैक्टर चला लेंगे बाद में। अच्छा खरपतवार खत्म करने के लिए? हाँ, ना उसमें ज्यादा मजदूर नहीं लगेंगे फिर। और पौधे मिल गए थे पिछले साल? हाँ, है ना, फिर दूरी कम के कारण फिर जगह नहीं रहती है जरा सी भी और तो गलता है, फिर फल गलन होता है, इसलिए 2 फीट ज़्यादा रखी आपने। ये देखिए इन्होंने पिछले साल भी लगाई थी और इस साल भी लगा रहे हैं और 2 खेती कर रहे हैं। तरबूज ख़त्म हो जाएंगे और ये पपीता चालू हो जाएगी, सेम पिछले साल वाली पोजीशन। पिछले साल आपने प्याज लगाए थे? पिछले साल प्याज लगाए थे, इस साल प्याज नहीं लगाए और तरबूज लगा। तरबूज लगा रहे हैं और बिल्कुल नाप तोल कर ना। हाँ, और जिसके बाद फिर तरबूज खत्म हो जाएंगे। हाँ, फिर बेड बना देंगे अंदर और गोभी के प्लाट लगाएंगे, इसमें पत्ता गोभी लगाएंगे। एक ही खेत पर 3-3 खेती करेंगे मैडम, है ना? अच्छा लगता है पपीता चोपना, है ना? अच्छा लगता है, पैसे भी आते हैं इससे। हाँ, अपना अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो फिर अच्छा लगता है ये काम। चलो ठीक साहब, धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।